नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मम्मा एंड बीवी पर। तो दोस्तों, आज है वुमेंस डे और यह वीडियो मैं खास वुमेंस डे के लिए ही बना रही हूँ, क्योंकि यह वीडियो मैं जस्ट बना रही हूँ और उसके बाद जस्ट अपलोड करने वाली हूँ। वैसे दोस्तों, मैंने आप सभी को बताया था कि हम घर शिफ्ट करने वाले हैं, तो घर हमने शिफ्ट कर लिया है, लेकिन घर शिफ्ट करने के चक्कर में आपको पता है कितनी ज़्यादा परेशानियाँ हो जाती हैं, तो हमें भी बहुत सारी परेशानियाँ हुई हैं और हम सबकी तबीयत भी ख़राब हो गई है घर में। और मेरे साथ तो दो तीन दिक्कत और आ गई है, और वो ये है कि एक तो मेरी फुंसी हो गई जगह जगह, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे धूल मिट्टी से दूर रहने के लिए कहा है। घर शिफ्ट करते हैं तो साफ़ सफाई या सामान शिफ्ट करने में जो है साफ़ सफाई करना ही पड़ता है, तो धूल मिट्टी तो उड़ेगी ही, जिस वजह से कि मेरे फुंसी हो गए, जुकाम वगैरह हो गया। और इसके अलावा क्या हुआ कि मेरे जो कल है मेरी आँख आ गई थी, बिल्कुल यहाँ पे आप देख सकते हो, तो बिल्कुल रेड रेड हो रहा होगा, आपको दिख रहा होगा, तो बिल्कुल रेड हो रहा है, आँख में दर्द भी हो रहा है, ऊपर से मेरा एक दांत भी निकल रहा है। तो खैर छोड़िए, वो तो अलग बात है, मेन बात करते हैं। यह वीडियो मेरा उन महिलाओं के लिए है जो कि यह सोचती हैं कि शादी होने के बाद और ख़ास तौर से बच्चे होने के बाद, जो उनका करियर पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है और वो अपने लाइफ में अब कुछ नहीं कर सकती, उनके लाइफ में अब कुछ नहीं बचा है, केवल घर बार संभालने के और बच्चे संभालने के, हो सकता है यह वीडियो आपके कुछ काम आ जाए। दोस्तों, मैं ये नहीं कहूँगी यह वीडियो आपके लिए बिल्कुल रामबाण सिद्ध होगा, लेकिन यह ज़रूर है कि आपकी ज़िंदगी में थोड़ा बहुत सुधार तो ज़रूर आएगा। मैं पूरी तरह से कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों के माइंड में पॉजिटिविटी भरूँ इस चीज़ को लेके कि आपका करियर ख़त्म नहीं हुआ है, आप अपनी लाइफ में अभी बहुत कुछ कर सकते हो। तो दोस्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात अपने बारे में करना चाहूँगी, क्योंकि उदाहरण देना बहुत ज़रूरी होता है, उससे ही हम बहुत जल्दी सीखते हैं। तो देखिए, मैं सबसे पहले अपना उदाहरण इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मैंने अपनी लाइफ से ही बहुत कुछ सीखा है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहली बात ये कि मेरी शादी जो हुई उस समय मैं पढ़ाई कर रही थी, मास्टर डिग्री कंप्लीट हो गई थी और मैं चाहती थी कि मैं आईएएस की तैयारी करूँ या फिर मैं नेट क्वालिफाई करके पीएचडी करूँगी, तो मैं इस बारे में सोच रही थी। लेकिन हुआ ये कि हमारी शादी हो गई, अब लव मैरिज अरेंज दोनों कह सकते हो कि पहले इन्होंने प्रपोज किया, देन घर वालों से बात किया तो सब मान गए, तो सो समथिंग आप कुछ भी मान सकते हो, लव मैरिज मान लीजिए, अरेंज कुछ भी मान सकते हैं। और दोस्तों, मेरे हस्बैंड ने कहा भी कि हम शादी के बाद पढ़ाई कराएंगे, पढ़ाई बंद नहीं होगी, जो तुम्हें करना हो तुम कर सकते हो, तो मैंने भी बोला ठीक है। दोस्तों, शादी के बाद आपको पता ही क्या होता है, बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपका करियर बन पाए, तो बहुत कम ऐसे हस्बैंड होते हैं जो कि अपनी पत्नी के लिए पूरी तरह से समर्पित हो। मुझे नहीं लगता हज़ारों हस्बैंड में से भी कोई एक हस्बैंड होगा जो कि अपनी पत्नी के लिए इतना करे, जो कि उनके करियर के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हो जाए, कुर्बान भी ना करे तो एटलीस्ट उसकी मदद करने के लिए घर के काम में हाथ बटा दे या फिर उसे पूरी तरह से छोड़ दे, ऐसा बहुत कम होता है। तो मेरे साथ भी ऐसा नहीं था कि मेरे हस्बैंड मेरी पूरी तरह से मदद करे, वो कहते थे जो इच्छा करो, लेकिन इच्छा बोलने में और किसी का साथ देने में बहुत अंतर होता है। मैं ही आपसे ये नहीं कहूँगी मेरे हस्बैंड मेरा साथ नहीं देते, वो मेरा बहुत साथ देते हैं, हर चीज़ में साथ देते हैं, उनको मैं कुछ भी कहूँ ये करना है वो कभी मुझे मना नहीं करते, लेकिन उनकी भी कुछ मजबूरी है, आपके भी हस्बैंड की कुछ मजबूरी होगी। दोस्तों, ऐसा तो नहीं कर सकते ना वो कि अपना काम धंधा बंद करके आपके पीछे पड़ जाएं, तो घर की रोजी रोटी कैसे चलेगी, यानी कि घर में आप खाना पीना जो खाते हो आपके हस्बैंड नहीं कमाएंगे तो आप कैसे खा पाओगे, तो यह भी एक बात है, तो आप कैसे करोगे। तो वो ही मेरे हस्बैंड के साथ था, वो भी बेचारे क्या कर सकते हैं, मेरे हस्बैंड के माँ बाप अलग रहते हैं। हुआ यह कि स्टार्टिंग में आप इतना ज़्यादा फोर्स नहीं कर सकते किसी को कि आप वो करो, बस यही हुआ हमारे साथ भी। एंड उसके बाद क्या हुआ कि जब शादी के 3 महीने के बाद जो है मैं प्रेग्नेंट हो गई, तो प्रेग्नेंट होने के बाद मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती थी। अगर आप में से जो भी महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उनको पता ही होगा कि प्रेगनेंसी में कितनी हालत ख़राब हो जाती है, यह बात बताने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि प्रेगनेंसी में कैसी हालत हो जाती महिलाओं की, तो आप समझ ही सकते होंगे कि प्रेगनेंसी में कैसी हालत हो जाती है। और उसके बाद दोस्तों, प्रेग्नेंट हो गए तो बेबी हो गया, और दोस्तों बेबी जब आपका हो जाता है तो उसके बाद आपकी पूरी जिम्मेदारी बन जाती है कि आप अच्छे तरीके से अपने बच्चों का पालन पोषण करें, क्योंकि यह बहुत ज़रूरी है कि आप अपना हर एक काम जिम्मेदारी से निभाएं, और बच्चे को पालना पोसना बहुत जिम्मेदारी का काम है, दुनिया का सबसे बड़ा काम है बच्चों को पालना पोसना। तो बस यही हुआ और आज तक भी यही हो रहा है। लेकिन दोस्तों, मेरे मन में कहीं ना कहीं अभी भी इस बात को लेके है कि मैं अपना करियर कब बनाऊंगी, मेरा करियर कब सेट होगा। लेकिन दोस्तों, मैंने कभी हार नहीं माना, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जो कि यह सोचती हैं कि यार मुझे ना किसी से पैसे नहीं लेने हैं, जैसे मेरी थिंकिंग भी है, मैं नहीं चाहती मैं किसी पर डिपेंड रहूँ अपने खर्चों के लिए, मैं ऐसा चाहती हूँ कि मैं इतना कमाऊँ कि मैं दूसरों को दे पाऊँ, अपने माँ बाप के लिए कुछ कर सकूँ, अपने हस्बैंड के लिए कुछ कर सकूँ, अपने बच्चे के लिए कुछ कर सकूँ, और अपने लिए तो करूँ ही करूँ।
तो दोस्तों इसी थिंकिंग वजह से क्या हुआ कि मैं सोचती रहती थी कि मुझे क्या कुछ ना कुछ तो काम करना ही है, कुछ ना कुछ तो काम करना ही है। आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने अपने दिमाग में इतने हज़ारों आइडिया लगाए कि मुझे क्या कर सकती हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ। बहुत सारी महिलाएँ होती हैं जिन्हें कढ़ाई बुनाई सिलाई और ब्यूटी पार्लर वगैरह आता है, और भी बहुत सारी चीज़ें आती होंगी, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं आता, रियली मुझे कुछ भी नहीं आता। तो मेरे साथ ये दिक्कत भी थी, मैं इनमें से कुछ तो कर नहीं सकती। मैं क्या कर सकती थी, क्योंकि मुझे पढ़ाई करना बहुत पसंद था तो मैं पढ़ाई की लाइन में कुछ कर सकती थी, लेकिन ये कि फिर आप पढ़ाई की लाइन में ये तो आप स्कूल ज्वाइन करो या फिर आप बच्चों को ट्यूशन दो घर पे। बस दिक्कत ये है कि जब आपके पास छोटा बच्चा है तो आप ट्यूशन भी कैसे दे सकते हो, क्योंकि उसका टाइमिंग तो कुछ सोने का होता नहीं है ना। आप स्कूल जा सकते हो, आप स्कूल जा सकते हो, लेकिन अगर आपके पास कोई है, आपकी सासू माँ है, आपके घर में ऐसा कोई है जो कि आपके बच्चे की देखभाल कर सके 5-7 घंटे के लिए, 8 घंटे के लिए, तो आप स्कूल जा सकते हो या फिर आप कोई और काम कर सकते हो। जब आपके पास कोई ऐसा है ही नहीं तो आप क्या कर सकते हैं। तो यही मैं सोचती रहती थी मुझे करना क्या है, क्या करना है। तो बहुत सारे आइडिया लगाए मैंने, बहुत आइडिया लगाए, बहुत बार अपने हस्बैंड से बात भी किया बहुत सारे कामों को लेके कि क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए। तो वो भी मजबूर है, वो भी क्या कर सकते हैं, वो भी कहते हैं जो करना चाहो कर लो, लेकिन सोच समझ के करना। तो वही बात है, सोच समझ के मतलब यही है कि बच्चे को कौन देखेगा, घर बार कौन देखेगा। चलिए दोस्तों, देखिए घर बार का तो ये है कि अगर आप अच्छा कमाने लग जाते हो तो आप घर पे नौकर रख लो, सर्वेंट रख लो, बाई रख लो, जो कि आपके घर सारे घर का काम कर देगी। दोस्तों सारे घर का काम आपका हो जाएगा, लेकिन मेरी बात ये कि आपका बच्चा कौन संभाले। आपको बच्चा संभालने वाला भी मिल ही जाता है, लेकिन आपसे अच्छा आपके बच्चे की देखभाल और कोई भी नहीं कर सकता, ये बात आप भी जानते हैं। तो हमारे पास रास्ता क्या बचता है, अब हम करें तो क्या करें। देखिए बहुत सारे रास्ते हैं, अगर आपको बस सोचने की ज़रूरत है। कई बार ऐसा होता है ना कि आजकल मेरे साथ ही बहुत बार होता है, मुझे लगता है कि यार मैं कुछ कर ही नहीं सकती, क्योंकि घर का काम है, बच्चे संभालना है, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, इसमें हमारे पूरा दिन निकल जाता है और उसके अलावा हम सोचेंगे भी क्या, तो मन मार के रह जाते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, मैं उन महिलाओं के लिए कह रही हूँ खास जो ऐसा सोचती हैं कि हमारा करियर ख़त्म हो चुका है, अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आप कर सकते हो, आपको अपने लिए टाइम निकालना ही होगा। आप टाइम कैसे निकालोगे ये आपको खुद सोचना है। देखिए बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिसमें कि आप थोड़ा पैसा कमाओगे, लेकिन आप चाहो तो आप थोड़ा कमाने के बाद भी आपको संतुष्टि मिलेगी कि हाँ मैं कुछ काम कर रही हूँ, मैं थोड़ा ही कमा रही हूँ लेकिन मैं कमा रही हूँ, मैं कुछ काम करने लग गई हूँ। या फिर आप चाहो तो आप थोड़ी बहुत पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो, अगर आपकी एज है आपको कुछ बनना है अपनी लाइफ में, तो ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल किताब एक तरफ रख दीजिए, आप थोड़ा बहुत निकाल के पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान आपको ये रखना है कि अगर आपका बच्चा बिल्कुल छोटा है तो आप इन चीज़ों को कुछ दिन के लिए स्टॉप कर दीजिए, क्योंकि इस समय बच्चे की परवरिश करना बहुत ज़रूरी है, बच्चे की देखभाल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप बच्चे की देखभाल नहीं करोगे तो और कौन करेगा। अगर आपका बच्चा ज़्यादा छोटा है, अभी पैदा हुआ है, 1 साल का भी नहीं हुआ है, तो आपको इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, बिल्कुल माइंड को फ्री करके जो है आपको ध्यान देना चाहिए बच्चे की देखभाल पे और अपने घर के कामों पे, उसके खाने पीने पे, कि क्या आप उसे खिला सकते हो, कैसे पौष्टिक खाना खिला सकते हो ताकि आपके बच्चे का माइंड अच्छे से डेवलप हो, उसका बॉडी अच्छे से डेवलप हो। कई बार ऐसा होता है कि हम बच्चों की देखभाल के चक्कर में अपने हस्बैंड पे ध्यान कम रखते हैं, उनसे ज़्यादा मतलब नहीं रख पाते, और बच्चे का ध्यान रखना कोई आसान काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है। तो क्या होता है कि हम झुंझला जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो उसका गुस्सा अपने हस्बैंड पर निकालते हैं या किसी और पर निकालते हैं। हम और किसी और की बात नहीं करेंगे, आपके हस्बैंड की बात करेंगे, यानी कि हम अपने हस्बैंड की बात करते हैं। तो क्या होता है कि रिश्ता ख़राब होने लग जाता है, रिश्ते में खटास आने लग जाती है। तो क्या होता है, वो एक दूसरे आप एक दूसरे से मुँह फुलाने लग जाते हो, तो आपको भी बुरा लगता है कि इन्होंने मुँह फुला लिया मुझसे, या फिर उन्हें लगता है कि इसने मुझसे मुँह फुला लिया। तो आपको ऐसा भी नहीं करना है। दोस्तों मैं यह आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर बता रही हूँ, कुछ वैसी कहानी नहीं बता रही हूँ जो मेरे साथ खुद बीता है, मैं आपको वही बता रही हूँ। तो आपको ये करना है कि आपको कम से कम 1 साल तक तो यह दिमाग में बैठाना है कि आपको बच्चे को पालना है और अपने घर वालों को अच्छे से संभालना है, इसके अलावा कुछ सोचना ही नहीं है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि 1 साल आप अपनी लाइफ का अपने बच्चों के लिए निकाल दोगे, 2 साल निकाल दोगे तो आपका करियर खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि आपका करियर का जो दिशा चेंज हो जाए, आप बनना कुछ और चाह रहे थे, हो सकता है आप वो ना बन पाओ या फिर आप उसकी जगह कुछ और बन जाओ, हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ और अच्छा हो। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो आप सोच रहे हैं वही आपके लिए अच्छा है, कुछ वो भी अच्छा हो सकता है जो ऊपर वाला आपके लिए सोच रहा है, या फिर आपके लाइफ में कुछ आगे आने वाला हो सकता है वो आपके लिए अच्छा हो, जो आप पीछे छोड़ रहे हैं वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा ना हो। तो इसलिए सब बातों को दिमाग से निकाल के बच्चों पर ध्यान दीजिए, एंड उसके बाद हम आते हैं मेन टॉपिक पर।
तो कम से कम आपका बच्चा जब 2 साल का हो जाए तो आपका बच्चा समझदार हो जाता है, प्ले स्कूल जाने लग सकता है, तो आप उस टाइम जो है अपने करियर पे अच्छे से ध्यान दे सकते हैं। जब आपका बच्चा स्कूल जाए, एक तो अपना पूरा टाइम टेबल बनाइए अच्छे से, सोने का जगने का कोशिश करेंगे, रात में जल्दी सोएं, आप सुबह जल्दी जगें। इससे क्या होगा कि आप जल्दी जगेंगे तो आप थोड़ा टहल लोगे, एक्सरसाइज करोगे, तो इससे भी आपका जो है मन खुश रहेगा, आपके अंदर जो है प्रसन्नता रहेगी, आप तरोताज़ा महसूस करेंगे, तो आपको भी कुछ काम करने में अच्छा लगेगा। अपने सारे कामों का रूटीन बनाना है, उसके बाद आपको देखना है कि आप क्या काम कर सकते हैं, चाहे वो छोटा ही काम क्यों ना, कोई बात नहीं, हम छोटे काम से ही स्टार्ट करेंगे। अगर आप में कुछ टैलेंट है, जैसे कि मैंने बताया आप सिलाई कर सकते हो, कढ़ाई बुनाई ब्यूटी पार्लर, तो आप ये काम कर सकते हैं, अपने घर के अंदर कर सकते हो। आजकल तो आपने देखा होगा काफ़ी ऐड आते हैं, बहुत सारे ऐप आ गए हैं जिससे कि आप घर बैठे आप ब्यूटी पार्लर से ब्यूटिशियन को बुला सकते हैं, तो क्यों ना ये काम आप करें। अगर आप पे आता है तो आप अपने कार्ड बनवाइए, जगह जगह बंटवा दीजिए और बोलिए कि मैं आपके घर आ सकती हूँ, और अपने हस्बैंड से बात कीजिए, या फिर बोल दीजिए कि आप मेरे घर आ जाइए, आप घर पे छोटा सा पार्लर बना लीजिए। बहुत सारी महिलाएं ऐसा काम करती हैं, और आप को सिलना आता है तो आप किसी के घर से जाके ले लीजिए, या फिर बोल दीजिए कि आप मेरे घर आ सकते हैं, सिलाई का काम कर सकते हैं, जो भी आप पे आता है वो काम आप कर सकते हो। मैंने तो बहुत सारी लेडीज ऐसी देखी है जिन पे कि स्वेटर बुनना आता है, तो वो स्वेटर लोगों का स्वेटर बुन बुन के काफ़ी पैसे कमा लेती हैं, काफ़ी तो नहीं लेकिन कमा लेती हैं। दोस्तों जैसे कि काम और है, जैसे कि मान लीजिए कि जैसे आपने मार्केट में देखा होगा कि कितने सारे मसाले आते हैं बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड के, वो इतने अच्छे नहीं लगते। आप कहोगे नहीं अच्छे लगते हैं, मैं मानती हूँ अच्छे लगते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड जो है अलीगढ़ के हैं, और अलीगढ़ के रास्ते पे एक मार्केट आता है जिसका नाम खैर है, जगह का नाम है खैर, तो वहाँ पर होता क्या है कि वहाँ से मसाले लेके आते हैं और वो खुद से पीसते हैं, तो वो मसाले इतने अच्छे होते हैं, रियली में बहुत टेस्टी मसाले होते हैं। अगर आप हल्दी इतना सा लोगे और मार्केट के जो अच्छे ब्रांड की हल्दी इतना लोगे तो भी उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं कह रही हूँ, अगर आपको लगता है कि आप अपने हाथ से मसाले बना सकते हैं, थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं, आप धनिया पीस सकते हैं, आप हल्दी घर पे खुद ही पीस सकते हो, ज़्यादा नहीं लेंगे थोड़ा तो पीस ही सकते हो, आप लाल मिर्च पीस सकते हैं, आप गर्म मसाला बना सकते हो, जो भी मसाले होते हैं जो इन डेली वेज में हम खाते हैं वो आप आराम से घर पर बना सकते हैं। और आसपास जो चाहें तो आप अपने आसपास की फ्रेंड्स को या आसपास का मोहल्ला, फ्लैट में रहते हैं तो आसपास जितने सोसाइटी में आपके लोग रहते हैं उनसे बात करके आप उनको पहले दीजिए कि आप एक बार ट्राई करो, और आपको अच्छा लगता है तो आप लीजिएगा। ऑब्वियसली अगर आपका अच्छा सामान होगा तो लोग ज़रूर लेंगे। तो एक तो ये काम हो गया आपका, तो आप ये काम कर सकते हैं, पापड़ बना सकते हो, पापड़ तो बहुत पुराना हो गया लेकिन लोग खाते हैं, तो आप ये काम भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हो। बहुत सारे काम होते हैं आप घर बैठे, जैसे कि हमने हमारे सोसाइटी में मैंने बहुत सारी लेडीज़ को देखा है जो कि सलवार सूट वगैरह या फिर जो भी कपड़े होते हैं उनका काम करती हैं, ज़्यादा नहीं कमाती लेकिन कमा लेती हैं, सीजन होता है तो ज़्यादा भी कमा लेती हैं। कॉस्मेटिक का काम कर सकते हैं, ज्वेलरी का काम कर सकते हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी अपने घर पर रख लीजिए, आप कार्ड बनवा के अखबार में डलवा सकते हो ताकि सभी लोगों के पास पहुँच जाए, या फिर आप खुद ही जा के बात कर सकते हैं, अगर आप में इतनी हिम्मत है आप जा सकते हो तो आप खुद ही जा के बात कीजिए कि मैंने ये काम स्टार्ट किया, आप हमारे पास ज़रूर आइएगा, सही रेट दीजिए और अच्छा सामान दीजिए, तो डेफिनेटली लोग आपके पास ज़रूर आएंगे, आपका काम भी हो जाएगा और आप आराम से अपने घर बैठे काम भी कर सकते हो। अगर आपको लिखने का शौक़ है तो आप लिख भी सकते हैं, बहुत सारे जो हैं न्यूज़पेपर वाले, आपको आपने देखा होगा कि बहुत अच्छे अच्छे लेख लिखते हैं, तो आप उनसे बात कर सकते हैं जाके कि मैं अच्छा लिख सकती हूँ। बहुत सारे आपको अगर शौक़ है तो आप लिखिए, अगर आपको लिखने का शौक़ है तो रास्ते तो बहुत सारे मिल जाएंगे, और आपको पता है इंटरनेट की दुनिया में बहुत सारे काम होते हैं जो कि आप घर बैठे आराम से कर सकते हैं, तो आप इसके बारे में पता कीजिए, आप वो कर सकते हैं। और दोस्तों यूट्यूब का काम है जो कि मैं भी करती हूँ, आप वो भी कर सकते हैं। मैंने आपको बताया जैसे कि मैंने बहुत सारे काम के बारे में सोचा और मैं कुछ कर नहीं पा रही थी, तो मैंने यही काम सोचा कि मैं यूट्यूब पे काम करूँगी, और मैंने इस पे काम स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ये काम बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि ऐसा नहीं कि इसमें मेहनत नहीं है, मेहनत है, लेकिन इसमें काम आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, जब आपका मन करे आप वीडियो बना सकते हैं, जब आप फ्री होते हैं आप उसमें वीडियो बनाइए, आराम से एडिट कीजिए, जब आपकी इच्छा हो, जब आपके पास टाइम हो आप अपलोड कर दीजिए, आप पे कोई बर्डन नहीं है कि आपको ये काम करना ही है, आप पे कोई दबाव नहीं है कि आपको अब वीडियो बनाना ही है, अपलोड ही करना है, जब आपकी इच्छा हो, जब आप फ्री हो, जब आपको लगे आप कर सकते हो, आप उस टाइम कर सकते हैं, तो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आपको लगता है किसी चीज़ में टैलेंटेड है, आप कुछ बता सकते हो, लोगों को समझा सकते हो किसी भी बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में जिसके बारे में आप नॉलेज रखते हैं, जिसमें आपको इंटरेस्ट है, तो आप बिल्कुल वीडियो बनाइए और डालिए। इससे एक तो होगा कि आपको अच्छा लगेगा कि मैंने दूसरे की मदद की इसके बारे में बता के, दूसरा ये होगा कि अगर आपका वीडियो अच्छा चलता है, लोग पसंद करते हैं,
तो आप आगे से पैसे भी कमा लोगे, जैसे कि सभी यूट्यूबर्स कमाते हैं, जैसे कि मैं भी कमाना स्टार्ट कर चुकी हूँ, तो आप ये काम भी कर सकते हैं। तो कहने के लिए तो बहुत सारे काम है दुनिया में, कुछ भी कीजिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि पार्टी ऑर्गेनाइज कराते हैं, छोटे मोटे बर्थडे पार्टी होता है, आप उसे ऑर्गेनाइज करने का जो कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं। तो दोस्तों आप पार्टी ऑर्गेनाइज करने का काम कर सकते हैं, आपको खुद कुछ नहीं करना, बस आपको जो कि खाना पीना बनाता है यानी कि जो कुक्ड होता है या जो हलवाई होते हैं, आप उसको किसी हलवाई से बात कर लीजिए, जो टेंट लगाता है उनसे बात कर लीजिए, और जो कि डेकोरेशन करता है बर्थडे पार्टी का उनसे बात कर लीजिए, यानी कि आपको सबसे कॉन्टैक्ट रखना है। जो केक वगैरह बनाते हैं उनसे कॉन्टैक्ट कीजिए। तो मतलब ये है कि आपको सबसे जान पहचान होना चाहिए, और जान पहचान हो गया तो आप अपना कार्ड बनवाइए, सब पे बंटवा दीजिए, और जब जिसको ज़रूरत हो आप सबसे बात कर लीजिए, इस तारीख को हमें केक चाहिए, इस तारीख को हमें ये चाहिए, कितने पैसे लगेंगे, जितना पैसा वो बताता है, क्योंकि आप कॉन्ट्रैक्ट लेते हो, आप ग्राहक तो उनके हो नहीं, तो आपको कहना है कि आप हमें कम में दीजिए, क्योंकि मैं कोई ग्राहक नहीं हूँ, मुझे भी किसी को देना है, तो थोड़ा ऑब्वियसली कम करके बताएंगे वो। और आप जिनके लिए भी काम कर रहे हैं, जितना आपको मान लीजिए 10,000 बता देते हैं सब मिला के, तो आप उनको 11 बता सकते हो, क्योंकि आप क्योंकि वो खुद ही करेंगे तो उनको जगह जगह जाना पड़ेगा, और आप सारा काम उनको खुद करके दे रहे हो तो 11,000 दे सकते हैं, यानी कि अगर आपको 1,000 वहाँ से मिल जाता है, 1,000 इधर से बच जाता है, तो आपको 2,000 बच जाएंगे, और आपको कुछ करना नहीं, बस थोड़ा सा मेहनत करना होगा। मतलब ये है कि दुनिया में बहुत सारे काम है, आप खुद सोचो घर बैठे बैठे कि हम क्या कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो आपको आइडिया मिल ही जाएगा। आप ट्यूशन पढ़ा सकते हो, और आपको लगता है कि आपके बच्चे का टाइमिंग सोने का ये है तो आप ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, आपके घर में कोई और है तो आप टीचिंग वगैरह काम अच्छे से कर सकते हैं, बहुत सारे काम होते हैं। अगर बहुत सारी महिलाएं घर में कोई ऐसी महिला हैं जो कि उसके बच्चे की देखभाल कर सकती है 8-10 घंटे के लिए, तो आप जॉब भी कर सकते हैं। और आपको लगता है कोई ऐसी महिला है जो कि आपकी पढ़ने में मदद कर सकती है, तो आप पढ़ाई भी कर सकते हो अपने आगे करियर बनाने के लिए। कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है यार हमारे तो सास ससुर ऐसी हैं, अगर हम उन्हें बुला लेंगे या अपने नंद को बुला लेंगे तो वो दिमाग ख़राब कर देंगी, वो हो जाएगा। देखिए होता ऐसा है ना कि एक हाथ से ताली तो बजती नहीं है, दोनों हाथ से बजती है। तो आपको ये रखना है कि आपको आपको लगता है कि कोई मदद करने वाला है, आपको रियली में लगता है कि वो आपकी मदद कर सकती है आपके करियर बनाने में, तो आप उनको अपने घर पर ज़रूर बुलाइए, उनसे मदद मांगिए, और देन अपने काम में लग जाइए। क्योंकि सास बहू और लड़ाई झगड़ा तो होता रहता है, लेकिन आपको अपने करियर पर फोकस्ड करना है तो आपको तो किसी ना किसी की हेल्प जरूर लेनी चाहिए जो आपकी मदद कर सके, बिना किसी लड़ाई झगड़ा के, बिना किसी फालतू बात के। दिमाग से सारी फालतू बातें हटा दीजिए कि नहीं ये आएगी तो ये टेंशन होगा, वो टेंशन होगा, नहीं, आपको सिर्फ फोकस्ड करना है अपनी पढ़ाई पर। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपके हस्बैंड वो कितना तैयार हैं आपके करियर को लेके। तो देखिए आपको अपने हस्बैंड से बात तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना, चुप्पी ज़्यादा ठीक नहीं होती, अगर आप ज़्यादा ही चुप रहते हो तो ये भी आपके लिए घातक है। तो चुप बिल्कुल नहीं रहना, आपको अपने हस्बैंड से बात करना है। बात करने का मतलब ये नहीं कि आप उनसे गुस्सा जाओ, लड़ाई झगड़ा कर लो, नहीं, आपको उन्हें समझाना है कि आपका करियर भी इम्पॉर्टेंट है जितना कि उनका है, यानी कि आप भी कुछ अपनी लाइफ में करना चाहते हो, लेकिन सिचुएशन पूरा देख लीजिए कि हाँ आप कैसे करोगे, ये वो आपकी कितनी मदद कर सकते हैं, उसके बाद ही। ऐसा नहीं कि वो आपकी कुछ मदद नहीं कर सकते, आपके घर में छोटा सा बच्चा है जो कि जिसकी देखभाल भी कोई करने वाला नहीं, और आप कहो नहीं मैं तो जॉब करूँगी, तो वो भी क्या करेंगे, फिर कुछ नहीं होगा, वो जॉब तो आप कर नहीं पाओगे, फालतू में आप दोनों में लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, और उसके बाद क्या होता है आपको पता ही है, बहुत दिनों तक बातचीत नहीं होगी, फिर दोनों एक दूसरे से मुँह फुला के बैठ जाएंगे। बस आपको ध्यान रखना है सही समय का, जब आप उनसे बात कर सकते हैं, और आप कौन सा काम कर सकते हो बिल्कुल अच्छे से बात करना है आपको। हाँ मैं ये काम करना चाहती हूँ जिसमें इतने पैसे लगेंगे, या फिर मैं ये काम करना चाहती हूँ इसमें यह समय लगेगा, मुझे इसकी ज़रूरत है, आप उसको बुलाइए, या फिर आपको ये मदद करनी है तो वो। और आपको ऐसे नहीं करना है कि नहीं ऐसी टाल मटोल करके बात नहीं करना, स्ट्रिक्ट होकर बात करना है, आपको सीधा फेस टू फेस बात करना है अपने हस्बैंड से, ताकि उनके दिमाग में घुसे इस बात को कि हाँ आपको कुछ करना है, और वो आपकी मदद भी करें, क्योंकि आप नॉर्मली अगर ऐसे ही बोलोगे ना तो वो भी ऐसे ही टाल देंगे। ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं। बाकी दोस्तों बहुत सारी बातें, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, और आपके दिमाग में कोई आइडिया है, अगर किसी लेडीज़ का जो है करियर ख़त्म हो गया, उसको लगता है ऐसा कि वो क्या करे, तो आप कुछ आइडिया दे सकते हैं, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, ताकि किसी की मदद हो सके, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं इसी चक्कर में जो डिप्रेशन में चली जाती हैं, और आगे क्या होता है आपको पता ही है। दोस्तों इतना ही मुझे कहना था कि आपका करियर ख़त्म नहीं हुआ है, आपका करियर बचा है अभी, अभी नहीं तो कुछ दिन बाद सही आप अपना करियर बना सकते हो। ठीक है, उस लाइन में ही नहीं तो किसी और लाइन में। तो दोस्तों
मैं भी अभी कोशिश कर रही हूँ कि मैं भी अपने आगे करियर बनाऊँ। मेरा बच्चा भी स्कूल जाने लग गया है, तो मैं भी अपने पढ़ाई पर ध्यान दूंगी ताकि मैं भी नेट क्लियर करूँ एंड उसके बाद मैं PhD करूँ। तो दोस्तों, बड़ों से आशीर्वाद और छोटे की दुआ चाहिए ताकि मैं भी अपनी करियर आगे अच्छे से सेट कर सकूँ। और मेरी तरफ से आप सभी को वुमेंस डे की बहुत बहुत बधाई हो। आप भी अपने लाइफ में जो करना चाहें प्लीज़ कीजिए, और मेरी यही कामना है ऊपर वाले से कि आप सभी की इच्छा पूरी हो और आप हमेशा खुश रहें। और धन्यवाद, बाय।